हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पर सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड-19 के जो नियम है उनकी आप पालना कर रहे होंगे। फिलहाल बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट की। हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकेंड, उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आप जानते हो ये जो चैप्टर है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा कि ये जो चैप्टर है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो अब तक आपने 9th और 10th में नहीं सीखी है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था 10th से 11th का जो जंप होगा, यानी आप 10th से जो 11th में आए हो उसमें आपको कुछ ज़्यादा बातें सीखने की आवश्यकता है, जिसे आप चीज़ों को समझ पाओगे, सीख पाओगे और जो 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन होगी उसमें आप इन चीज़ों का उपयोग कर पाओगे। तो बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे वेव के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे वेव के बारे में। हमने वेव की बात की कि वेव क्या होती है। वेव इज़ द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी वेव कुछ नहीं होती, ऊर्जा के स्थानांतरण का एक तरीका होता है। फिर हमने बताया वेव दो प्रकार की होती है, एक तो हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव और एक हमारे पास होती है नॉन मैकेनिकल, यानी ऐसी वेव जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी उसे आप बोलोगे मैकेनिकल वेव, और एक ऐसी वेव जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे आप बोलते हो नॉन मैकेनिकल वेव। बात समझ आ गई आपको? फिर मैंने आपको बताया था वेव के फीचर के बारे में, उसके अंदर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ऐसी वेव जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपस में परस्पर लंबवत हो जाते हैं उस वेव को बोलते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके जो फीचर्स है वो भी मैंने आपको बताए थे कि किस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है, या मैं कहूँगा मूव करती है। बात समझ आ रही है? आज हम बात करने वाले हैं वेव के कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी आज हम बात करेंगे वेव के गुणों के बारे में, बात करेंगे कि वेव के अंदर कौन कौन से गुण ऐसे होते हैं जिनका यूज हमको बोहर के एटॉमिक मॉडल में करना है। तो उनमें मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे। वेव लेंथ के बारे में बताया था, जिसको आप हिंदी में बोलते हो तरंग दैर्ध्य, डिनोट करते हैं लैम्बडा से, डिस्कस करूंगा पॉइंट वाइज पॉइंट। दूसरा बताया था मैंने आपको फ्रिक्वेंसी के बारे में, हिंदी में बोलते हैं आवर्ती और डिनोट करते हैं इस न्यू से। फिर बताया मैंने आपको एम्पलीट्यूड के बारे में, आयाम, हिंदी में बोलते हैं आयाम, डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। इसके अलावा बताया था आपको तरंग संख्या, डिनोट करते हैं न्यू बार से। इसके अलावा बताया था मैंने आपको टाइम पीरियड, जिसको बोलते हैं आवर्तिकाल या समयकाल। बात समझ आ रही है? इन 5 पॉइंट के बारे में आज हमको इस लेक्चर में डिस्कस करना है और उसके बारे में क्वेश्चन सीखने हैं कि इन पॉइंटों से किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बिना बात किए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं आज पॉइंट नंबर फर्स्ट, उसमें अपने पास बात थी वेव लेंथ के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेव लेंथ। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। हाँ भाई, क्या बोलते हैं हिंदी में? तरंग दैर्ध्य। हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं तरंग दैर्ध्य के बारे में, कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है। सबसे पहली बात तो ये, जो तरंग दैर्ध्य होती है इसे आप दिखाते हो लैम्बडा से। किसे दिखाते हो? इसे बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं इसे? इसे लैम्बडा बोलते हैं। भाई पता होगा इस चीज़ के बारे में तो आपको, इसे लैम्बडा से दिखाया जाता है। ये जो बनाया ना मैंने ऐसे, इसको बोलते हैं लैम्बडा। क्या बोलते हैं? लैम्बडा। ये तरंग दैर्ध्य को दिखाने का तरीका है। आप बार बार तरंग दैर्ध्य नहीं लिखोगे, आप ओनली क्या बना दोगे? लैम्बडा। इसे क्या बोलते हैं? लैम्बडा। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि जो तरंग दैर्ध्य होती है उसे लैम्बडा से प्रदर्शित किया जाता है। किसे दिखाया जाता है इसको? लैम्बडा से। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। इसे परिभाषा क्या होती है? देखो ध्यान, परिभाषा क्या होगी? दो क्रमागत, जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना, दो क्रमागत। क्रमागत हम जानते हो ना, कंटिन्यूअस, अल्टरनेट, यानी एक छोड़ के दूसरा, उसे बोलते हैं क्रमागत तरीका। जैसे एक छोड़ के दूसरा, जानते हो ना, जैसे इसको, ये अपने पास पहला है, इसको छोड़ देंगे अगले वाला, यानी एक छोड़ के जो दूसरा होता है उसे बोलते हो क्रमागत। ठीक है, बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। परिभाषा क्या होगी? दो क्रमागत संघ, जानते ना संघ क्या होते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं इनको? क्रस्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इनको? क्रस्ट। जो उभार होते हैं, जो तरंग के अंदर उभार होते हैं उन्हें बोलते हो आप संघ। इंग्लिश में क्या बोलते हो? क्रस्ट। दो क्रमागत संघ या दो क्रमागत गर्तों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राफ, TRUGH। दो क्रमागत संघों या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी मतलब डिस्टेंस होगी, कोमा क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। यह आपकी परिभाषा हो गई। परिभाषा क्या होगी? दो क्रमागत संघों या दो क्रमागत जो गर्त, गर्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्राफ। जो नीचे की तरफ होता है उसे बोलते हैं ट्राफ, और जो ऊपर की तरफ होता है उसे बोलते हो आप क्रस्ट। दो क्रमागत संघों और दो क्रमागत गर्तों के मध्य की जो दूरी है उस दूरी को क्या बोलते हो आप? लैम्बडा। क्या बोलते हो उसे आप? लैम्बडा। बात समझ रही है? लेकिन बात समझ लेना क्या लिखा हुआ है इसने साफ साफ। इसने लिखा है दो क्रमागत संघ, यानी दो होने, कम से कम कितने होने चाहिए? दो। दो अल्टरनेट क्रस्ट और दो अल्टरनेट जो अपने पास ट्राफ है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को बोलते हो आप तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हो? तरंग दैर्ध्य। बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? कि दो अल्टरनेट संघ और दो अल्टरनेट जो ग्रथ है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे आप बोलते हो तरंग दैर्ध्य। दिखाया किसे जाता है?
इसे दिखाया जाता है लैम्ब्रा से, किसे दिखाया जाता है लैम्ब्रा से, और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो इकाई होती है, इसको इकाई क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, यूनिट, पता है यूनिट के बारे में, इसकी इकाई होती है तो सेंटीमीटर होगी या मीटर होगी, या अपने पास माइक्रोमीटर होगी, या अपने पास पिकोमीटर होगी, या अपने पास नैनोमीटर होगी, सबके बारे में तुम जानते हो, सबके बारे में मैंने आपको जो चैप्टर फर्स्ट था उसके में बताया था कि माइक्रोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, जो भी एनीथिंग एटसेट्रा, ये अपने पास इनकी होती इकाई है, इस इकाई में नापा जाता है किसको, लैम्ब्डा को, बात समझ आ रही आपको। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी, वेवलेंथ को किसे दिखाया जाता है लैम्ब्डा से, परिभाषा क्या होगी, दो क्रमागत श्रृंगों और दो क्रमागत गर्तों के मध्य की जो दूरी है उसे आप बोलते हो क्या, वेवलेंथ। तीसरी बात क्या होगी, इसकी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, माइक्रोमीटर भी हो सकती है, पिकोमीटर भी हो सकती है, नैनोमीटर भी हो सकती है, एटसेट्रा आदि। लेकिन लंबाई वाली जो यूनिट होंगी, जो लेंथ वाली यूनिट होंगी, वो सारी सारी किसके लिए यूज होंगी, तरंग दैर्ध्य के लिए। अब बताता हूँ कि लैम्ब्डा को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखो ध्यान से बात, तीनों पॉइंट समझ आ गए आपको, अब बात करते हैं इससे आगे की। देखो जी, हमने कहा हमारे पास एक वेव है, मैंने एक वेव बनाई, देखो जी पहली वेव कंप्लीट हो गई, आप जानते हो वेव के बारे में, एक उभार और एक गर्त, यानी एक संघ, इसको तो क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो क्रस्ट, क्या बोलते हो इसे, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्रस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं श्रृंग, जानते हो इस चीज के बारे में, और जो नीचे वाला एरिया है इसे आप बोलते हो गर्त, क्या बोलते हो गर्त, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको ट्राफ, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्राफ, ठीक है। आप जानते हो एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर एक वेव बनाता है, मैं दो वेव बना रहा हूँ, कितनी वेव बना रहा हूँ, दो, दो बनाने का रीजन है भाई मेरा, कम से कम मुझे दो वेव लेनी होगी, किसके लिए, लैम्ब्डा के लिए, क्योंकि एक वेव के लिए आप लैम्ब्डा कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, अभी बता ले जाएगा आपको। देखो कितने क्रस्ट दिख रहे हैं आपको, दो, ये भी क्रस्ट होगा, ये क्या होगा मेरे पास ट्राफ, भाई नीचे वाला एरिया तो क्या कहलाता है गर्त, ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है श्रृंग, यानी इसके अंदर आपको दो तो श्रृंग दिख रहे होंगे और दो आपको गर्त दिख रहे होंगे, यानी मैं कहूंगा दो तो आपको क्रस्ट दिख रहे हैं और दो आपको क्या दिख रहे हैं ट्राफ। अब मैंने क्या लिखी थी परिभाषा, मैंने परिभाषा क्या लिखी थी, दो क्रमागत, यानी अल्टरनेट, ये पहला हो गया तो इसके बाद दूसरा ये तो होगा, दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी, बताओ ये भी श्रृंग है कि नहीं, ये भी श्रृंग है और ये भी श्रृंग है, बताओ अल्टरनेट है कि नहीं, एक छोड़ के दूसरा ही तो है, ये पहला इसको छोड़ दिया दूसरा, बताओ अल्टरनेट हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा दो क्रमागत श्रृंग, यानी यहां से लेके और यहां तक हो गए क्रमागत श्रृंग, या दो क्रमागत गर्त मान लो आप नीचे वाला ले लो, बात तो एक ही हुई ना, चाहे आप ऊपर वाला ले लो चाहे आप नीचे वाला ले लो, उसने कहा दो क्रमागत श्रृंग यानी दो अल्टरनेट, एकांतर, एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के दूसरा, हो गया दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी, यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है लैम्ब्डा कहलाती है, क्या कहलाती है लैम्ब्डा, बात समझ आ गया आपको, लैम्ब्डा क्या होगी, दो क्रमागत श्रृंग या, ये दोनों सेम होगी जानना, दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की जो दूरी है उस दूरी को क्या बोलते हो आप लैम्ब्डा, कहानी क्लियर है, लैम्ब्डा क्या होती है, दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है लैम्ब्डा कहलाती है, बात समझ आ रही आपको। अब सुनो, क्या इस लैम्ब्डा को हम एक वेव के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं, कैसे नहीं करेंगे, देखो जी हमारे पास एक वेव क्या होगी, एक क्रस्ट होगा और एक ट्राफ होगा, ऐसी तो होगी एक वेव, अब बताओ इसके अंदर दो क्रमागत श्रृंग कहां से होंगे, इसके पास तो एक ही क्रस्ट है, क्या इसके पास और क्रस्ट है क्या, क्या इसके पास दूसरा श्रृंग है क्या, मैं कहूंगा इसके पास एक ही श्रृंग है और एक ही गर्त है, बताओ बात सही नहीं, इसके पास एक ही गर्त है और इसके पास एक ही श्रृंग है, और आप जानते हो लैम्ब्डा को निकालने के लिए हमारे पास कम से कम श्रृंग कितने होने चाहिए दो और गर्त भी कम से कम कितने होने चाहिए दो, यानी दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बिना आप लैम्ब्डा को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो मैं कहूंगा इसके लिए मैं लैम्ब्डा को कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको किसी भी वेव की लैम्ब्डा निकालनी है, अगर आपको किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तो आपके पास कम से कम वेव कितनी होनी चाहिए दो, बात समझ आ रही है आपको, कम से कम आपके पास वेव कितनी होनी चाहिए दो, यानी दो से कम वेव के लिए ना तो आप लैम्ब्डा निकाल पाओगे ना तरंग दैर्ध्य निकाल पाओगे, बात समझ आ रही, क्योंकि मैं परिभाषा क्या थी कि दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी को क्या बोलते हो आप लैम्ब्डा, कहानी क्लियर है, कहानी समझ आ गई आपको क्लियर, और इसके लिए हम लैम्ब्डा को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमको कम से कम कितनी वेव चाहिए दो, जब तो अल्टरनेट होगा ना, एक वेव में तो एक ही श्रृंग होता है एक ही गर्त होता है, तो आप इसके लिए कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो ये बात थी किसके बारे में, वेवलेंथ के बारे में, कितनी सी बात है वेवलेंथ के बारे में, आपको पता होना चाहिए वेवलेंथ होती क्या है, दो अल्टरनेट क्रस्ट और दो अल्टरनेट ट्राफ के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हो आप लैम्ब्डा, कहानी क्लियर। अब बात करता हूं इसे आगे वाले पॉइंट की, सेकंड पॉइंट की, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट के बारे में बताया था मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में, किसके बारे में बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्ती, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी हिंदी में क्या बोलते हैं इसे आवर्ती, किसकी आवर्ती है तरंग की आवर्ती, पहली बात तो ये, इससे रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था
कि तरंग दैर्ध्य को आप लैम्डा दिखाते हो और आवृत्ति को दिखाते हो आप न्यू से, किसे दिखाते हो न्यू, इसे इसे बोलते हैं न्यू, क्या बोलते हैं न्यू, म्यू नहीं न्यू है। देखो एक तो होता है म्यू, म्यू तो होता है ये, और न्यू क्या होता है जो आपके सामने बनाया हुआ है मैंने इस प्रकार, वी नहीं है ये न्यू है, समझ गए बात। आपने तरंग दैर्ध्य को किसे दिखाया था लैम्डा से, और आवृत्ति को किसे दिखाते हैं न्यू से, किसे दिखाते हैं यानी आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं, परिभाषा क्या होती है, किसी भी बिंदु से एक सेकंड में, यानी पर सेकंड की बात कर लूं मैं, किसी भी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, किसी भी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या कोमा उस तरंग की क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है, उस तरंग की क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। यानी किसी भी बिंदु से एक सेकंड में, यानी किसी भी बिंदु से एक सेकंड में कितनी वेव निकल रही है, जो उनकी संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी स्पीड क्या होगी वही कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। बात समझ रही है आप, देखते रहिए ध्यान से आप मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की जो संख्या होती है वो कहलाती है तरंग की आवृत्ति, क्या कहलाती है, आवृत्ति। कैसे होगी आवृत्ति, देखो ध्यान से, आप देखो आपके पास जैसे मालूम है, दो डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी तरंगें निकल रही है, एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी तरंगें निकल रही है वो कहलाएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। जिसकी तरंग ज्यादा निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जिसमें तरंग कम निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अब देखो आपके सामने दो वेव बना रहा हूं मैं, एक वेव तो बना दी मैंने ऐसे, दिख रहा है आपको साफ साफ, और एक बना दी मैंने ऐसे, दिख रहा है साफ साफ आपको। अब बताओ ये भी एक वेव है और ये भी एक वेव है, बताओ दोनों में से ये पॉइंट अपने पास दे रहा, ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रही वेव, मैंने परिभाषा क्या बताई आपको, एक पॉइंट से एक सेकंड में पर सेकंड में कितनी वेव निकल रही है वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो देखो आप, ये पॉइंट हमारे पास ये है और ये पॉइंट हमारे पास ये, बताओ यहां से वेव ज्यादा निकल रही है, यहां से वेव ज्यादा निकल रही है, मैं कहूं यहां से कितनी वेव निकल रही है, एक वेव तो ये हो गई, दूसरी वेव ये हो गई, तीसरी वेव ये हो गई, यानी यहां से एक सेकंड में कितनी वेव निकल रही है, तीन, मान लिया कि एक सेकंड में निकल रही है, एक सेकंड कितनी वेव निकल रही है यहां से, तीन, यहां देखो आप यहां से कितनी निकल रही है एक सेकंड में, ये एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ये चार हो गई हमारे पास, यानी यहां से एक सेकंड कितनी वेव निकल रही है, पांच, यहां से तो एक सेकंड में पांच वेव निकल रही है, और यहां से एक सेकंड में कितनी वेव निकलती है, बताओ फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, मान लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, मान लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू टू, तो मैं कह सकता हूं न्यू वन ग्रेटर देन क्या होगा, न्यू टू होगा कि नहीं होगा। बात समझ आ रही है आपको, क्या है परिभाषा, क्या थी भाई, एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव निकल रही है वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। अब जिसकी वेव ज्यादा निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो देखो आप, अगर इन दोनों का टाइम सेम ले लिया जाए और एक सेकंड में ये इतनी निकाल रहा है और ये एक सेकंड में इतनी निकाल रहा है, तो आपको दिख रहा है, आप जानते हो एक सुरंग और एक गर्त मिलाकर एक वेव बनाता है, तो यहां से देखो कितनी वेव निकल, एक वेव तो ये हो गई, दूसरी वेव ये हो गई, तीसरी वेव, यानी यहां से एक सेकंड में कितनी वेव निकल रही है, तीन, यहां से एक सेकंड में तीन वेव निकल रही है, जबकि यहां पर कितनी निकल रही है, एक वेव तो ये हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो बताओ यहां से ज्यादा वेव निकल रही है कि वहां से ज्यादा वेव निकल रही है, यहां से निकल रही है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। देखो अगर मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, भाई फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं ना, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू टू है, तो बताओ दोनों फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो हमने कह दिया न्यू वन ग्रेटर देन क्या होगा, न्यू टू, न्यू वन किससे बड़ा होगा, न्यू टू से। लेकिन आपको एक बात और समझ में आ रही होगी यहां से, क्या, आप देखो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो तो ज्यादा है इसकी तुलना में, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी तुलना में क्या है, ज्यादा, लेकिन आप देखो यहां पर लैम्डा होगा कि नहीं होगा, अब ध्यान से देखना थोड़ी चीजों को, ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट बात आपको यहां समझ में आने वाली है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं आपको रटाने पर जोर नहीं दूंगा, समझाने पर जोर दूंगा भाई, एक, दो, तीन, चार, एक और बना देते हैं पांच, ठीक है। अब देखना, ये मैं कहूं यहां से ये पहली वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई, ये तीसरी वेव हो गई, ये चौथी वेव हो गई, और ये हमारे पास होगी पांचवी वेव, यानी यहां से एक सेकंड में ये अपने पास न्यू वन हो गया, अपने पास न्यू, यानी यहां पर यहां से एक सेकंड में कितनी निकल रही है, पांच, और यहां पर एक सेकंड में कितनी निकल रही है, तीन निकल रही है, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया न्यू वन किससे बड़ा होगा, न्यू टू से, यानी यहां तो वेव फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यहां फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, क्योंकि यहां वेव ज्यादा निकल रही है, अगर वेव ज्यादा निकलेगी तो फ्रीक्वेंसी अपने आप ही ज्यादा होगी, क्योंकि परिभाषा क्या कहती थी कि एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव जा रही है वही कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सुनो, तो इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं ताकि हम बातें समझाएं। तो हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल गया, न्यू वन किससे बड़ा होगा जी, न्यू टू से, बात समझ आ गई आपको। अब देखना दूसरा पॉइंट, आप देखो जब वेव ज्यादा जाएंगी तो मैं बात कर रहा हूं लैम्डा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, लैम्डा, लैम्डा क्या था, लैम्डा को बोलते हैं वेवलेंथ, या हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, दो क्रमागत श्रृंग
और दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी क्या रहती है लैम्ब्डा। अगर मुझे यहां से लैम्ब्डा निकालनी हो तो देखो यहां से लेके यहां तक की और यहां से लेके यहां तक की, मतलब ये तो होगा, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी लैम्ब्डा, कहलाएगी नहीं कहलाएगी भाई। ये सुरंग दो अल्टरनेट हुए कि नहीं हुए, ये सुरंग हुआ या ये गर्त हुआ, बात तो एक ही है। बताओ ये लैम्ब्डा है कि नहीं है लैम्ब्डा, और आप यहां की लैम्ब्डा देखो, यहां की लैम्ब्डा यहां से यहां तक की होगी कि नहीं होगी। अरे आप जानते हो लैम्ब्डा क्या होती है, दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी क्या कहते हैं लैम्ब्डा। तो मैं कहूंगा यहां से लेके यहां तक की दूरी भी लैम्ब्डा होगी और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी क्या होगी लैम्ब्डा। बताओ अगर मान लो मैं इसको लैम्ब्डा वन कहूं और इसको मैं कहूं लैम्ब्डा टू, यानी ये तो अपने पास लैम्ब्डा वन हो गई और ये हमारे पास हो गई लैम्ब्डा टू, तो आपको दिख रहा है साफ साफ डायग्राम में। बताओ लैम्ब्डा टू ज्यादा बड़ी होगी कि लैम्ब्डा वन ज्यादा बड़ी होगी, लैम्ब्डा टू, क्योंकि लैम्ब्डा टू की डिस्टेंस ज्यादा है और लैम्ब्डा वन की डिस्टेंस क्या है कम। तो मैं कहूंगा इस डायग्राम से मेरे को पता लग रहा है कि लैम्ब्डा टू ग्रेटर देन हो गया अपने पास लैम्ब्डा वन, जबकि हमको क्या पता लगा था न्यू वन ग्रेटर देन होता है अपने पास न्यू टू। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन बन के आएगा, वो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी लैम्ब्डा कम है कि नहीं, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी लैम्ब्डा क्या है ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी तो लैम्ब्डा होगी ज्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी लैम्ब्डा होगी कम, यानी न्यू जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, बताओ लैम्ब्डा के होगा कि नहीं होगा, बताओ निकल के आएगा नहीं निकल के आएगा रिलेशन। ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रीक्वेंसी और जो लैम्ब्डा है आपस में क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बात समझ आ रही आपको। क्योंकि यहां पर देखो ना आप, यहां पर लैम्ब्डा वन है और यहां पर लैम्ब्डा टू है, तो आपको दिख रहा है लैम्ब्डा टू की डिस्टेंस ज्यादा है और लैम्ब्डा वन की डिस्टेंस क्या है कम, यानी यहां पर तो फ्रीक्वेंसी न्यू वन है और यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है अपने पास न्यू टू, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से इसकी लैम्ब्डा क्या होगी कम और यहां पर फ्रीक्वेंसी कम होने से इसकी लैम्ब्डा क्या होगी ज्यादा, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी लैम्ब्डा ज्यादा होगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी लैम्ब्डा क्या होगी कम। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और जो लैम्ब्डा है आपस में क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, क्या होता है आपस में व्युत्क्रमानुपाती, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, आपस में क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, सीख रही बात, बात क्लियर है आपको। यानी इसमें इसमें क्या रिलेशन निकल जाएगा, लैम्ब्डा टू तो लैम्ब्डा वन से बड़ी होगी और न्यू वन किससे बड़ा होगा भाई, न्यू टू से, यानी न्यू जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा लैम्ब्डा के, बातें क्लियर है, बातें क्लियर है। अब सुनो इस रिलेशन में क्या निकाल सकता हूं, यहां तक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी मैं क्या कह रहा हूं, यहां से क्या बात पता लगाई हमने, यहां से क्या बात पता लगाई कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है वो लैम्ब्डा के क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्या होती है व्युत्क्रमान। तीन बातें सुनो आप ध्यान से, पहला मैंने क्या बताया था फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाया जाता है, दूसरी परिभाषा क्या बताई थी किसी भी बिंदु से यानी एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है आवृत्ति, जितनी ज्यादा तरंगें जाएंगी उतनी ही ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फिर मैंने बताया था आपको लैम्ब्डा का और न्यू का संबंध, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी लैम्ब्डा कम होती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी क्या होती है लैम्ब्डा ज्यादा, यानी न्यू और लैम्ब्डा जो है ऐसा दिखेगा आपको, न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा, बात समझ आ रही है आपको। अब सुनो बात ध्यान से, अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं, इससे मैं और बात करूंगा, चलो इसकी बात कर लेते हैं, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर यहां से मैं समानुपाती को हटाऊं तो मुझे एक स्थिरांक लगाना होगा, जानते हो ना आप जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आपको एक कॉन्स्टेंट लगाना होता है, हटाऊंगा तो बराबर जब करूंगा तो यहां पर एक कॉन्स्टेंट लगाऊंगा सी, सी बटा लैम्ब्डा होगा कि नहीं होगा भाई। जब यहां से अगर आप समानुपाती को हटाओगे तो आपको एक कॉन्स्टेंट लगाना होगा, मान लिया कि वो कॉन्स्टेंट क्या है सी, यहां पर सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है अपने पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू फिक्स होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, ये प्रकाश का वेग है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पढ़ा होगा आपने खूब फिजिक्स के अंदर, इसको बोलते हैं प्रकाश का वेग, क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का वेग। यानी जब आप इस समानुपाति को उठाओगे तो आपको एक स्थिरांक लगाना होगा, उसको बोलते हैं सी, जिसे बोलते हैं प्रकाश का वेग। अब देखो यहां से अगर मुझे यहां से सी की वैल्यू चाहिए, अगर यहां से मुझे सी की वैल्यू चाहिए पता हो लैम्डा इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा न्यू लैम्डा, क्या हो जाएगा सी बराबर न्यू लैम्डा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से बन के आ गया, सी बराबर क्या होगा न्यू लैम्डा, दिख रहा है साफ साफ आपको सी बराबर क्या होगा जी न्यू लैम्डा, क्लियर बात है। तो मैंने लैम्ब्डा से और फ्रीक्वेंसी से आपके सामने दो फॉर्मूले डेवलप कर दिए, कौन कौन सा, ये तो न्यू किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा लैम्ब्डा के और सी बराबर क्या होगा जी न्यू लैम्ब्डा, बात समझ आ रही। अब मैं बात करता हूं इसकी यूनिट की, जैसे हमने वहां पर बात की थी यहां पर बात करेंगे, इसकी इकाई क्या होती है, दिख रहा है साफ साफ आपको इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई जो होती है अपने पास होती है वो होती है साइकिल पर सेकंड, या सेकंड इनवर्स कह सकते हो आप, सेकंड इनवर्स क्या होती है इसकी इकाई, सेकंड इनवर्स, अरे आप सोचो ना पर सेकंड की बात कर रहे हो आप कि किसी भी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले तरंगों की संख्या, पर सेकंड की बात की तो सेकंड इनवर्स होगी ही नहीं होगी, या इसकी इकाई को बोलते हैं साइकिल पर सेकंड सीपीजेड, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं साइकिल, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, इसकी इकाई क्या होती है, या तो इसकी इकाई होगी सेकंड इनवर्स, या इसकी इकाई होगी साइकिल पर सेकंड, या इसकी इकाई को लेते हो आप हर्ज में,
एच जेड, इसको बोलते हैं हर्ज, पढ़ा होगा आपने हर्ज, क्या बोलते हैं इसको हर्ज। देखो एक साइकिल जो पर सेकंड है वो एक हर्ज के बराबर होता है, एक साइकिल पर सेकंड एक हर्ज के बराबर होता है। अगर आपसे एक के एच एड बोल दे, देखो आपसे क्या बोलते एक के का मतलब होता किलो, के का मतलब क्या होता है किलो, एक किलो हर्ज, समझ जाना किसकी बात कर रहा है, 10^3 हर्ज की, जानते हो किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है हजार, यानी 10^3, तो एक के एच एड किसके बराबर हो जाएगा 10^3 एच जेड के। मान लो आपसे बोले एक एम एच जेड, एम का मतलब क्या होता है मेगा, मेगा मतलब क्या होगा 10^6 एच जेड। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमको आगे कॉन्सेप्ट जो हमें न्यूमेरिकल आएंगे उनमें हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए कि मैं आपको क्या बात समझा रहा हूं कि इसकी जो इकाई होती है सेकंड इनवर्स होती है, साइकिल पर सेकंड होती है, हर्ज होती है, और एक सीपी जेन एक साइकिल पर सेकंड किसके बराबर होता है एक हर्ज के, और एक किलो हर्ज के का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब होता है 10^3 हर्ज हो गया, एक मेगा हर्ज किसके बराबर होगा 10^6 हर्ज के बराबर। बात समझे, ये अपने बात थी, बात किसकी, ये मैंने बात की फ्रीक्वेंसी के बारे में, किसकी बात बात कर ली, ये बात कर ली मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में, बात समझ आ गई आपको। अब बात करते हैं इससे आगे की, अब बात कर रहे हैं हम इससे आगे की, देखो जी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, अब बात कर रहे हैं इससे आगे की, देखो जी तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारे पास एम्पलीट्यूड का, किसका था एम्पलीट्यूड का, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हिंदी में आयाम, क्या बोलते हैं आयाम, आराम नहीं है आयाम, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। मैंने अभी तक आपको दो टर्मिनोलॉजी बताई, सबसे पहले बताया मैंने आपको वेवलेंथ के बारे में कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, किसे दिखाते हैं लैम्ब्डा से, क्या होती है दो क्रमागत श्रृंग और दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी कहलाती है लैम्ब्डा, ठीक है। इकाई क्या होगी सेंटीमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, यानी जो भी लंबाई की यूनिट होगी वो लेंथ की यूनिट होगी, ठीक है, मैं बता दिया आप निकालते कैसे। फिर मैंने बात की थी फ्रीक्वेंसी के बारे में कि किसी भी पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव निकल रही है वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, और आपने देखा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी लैम्ब्डा कम होती है, और जिसकी लैम्ब्डा कम होती है वो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी लैम्ब्डा क्या होती है ज्यादा, यानी फ्रीक्वेंसी और लैम्ब्डा आपस में क्या होते हैं व्यतिकरण अनुपात, उससे हमने एक रिलेशन निकाल दिया, उसके अलावा हमने यूनिट की बात कर ली। अब मैं बात कर रहा हूं एम्पलीट्यूड के बारे में, पहली बात ये दिखाते किससे, इसको दिखाया जाता है कैपिटल ए से, किसे दिखाते हैं इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे हमने देखा था वेवलेंथ को दिखा रहे थे हम लैम्ब्डा से, हमने फ्रीक्वेंसी दिखाया न्यू से, तो आयाम को किसे दिखाते हैं, आयाम को दिखाते हैं कैपिटल ए से, किसे दिखाते हैं कैपिटल ए से। अब सुनो परिभाषा क्या होगी, ऊंचाई मैं कहूंगा श्रृंग या गर्त, श्रृंग व गर्त, यानी बोलेंगे दोनों अलग अलग होते हैं ना भाई, श्रृंग व गर्त हिंदी में देख लेना आप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्रेस्ट, इसे बोलते हैं ट्राफ, की ऊंचाई, की ऊंचाई यानी हाइट क्या कहलाती है, कोमा क्या कहलाती है, आयाम कहलाती, आयाम कहलाती, श्रृंग और गर्त की जो ऊंचाई है यानी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कहलाता है आयाम। बात समझ आ रही है, बात समझ आएगी, अभी मैं डायग्राम समझाऊंगा जब, यानी जितना ज्यादा श्रृंग होगा उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा और उसकी जो ब्राइटनेस है वो भी उतनी ही क्या होगी ज्यादा। अब मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल, पहली बात तो ये किसे दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है कैपिटल ए से, परिभाषा क्या होती है, श्रृंग और गर्त की जो ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं हम आयाम, कैसे मतलब है, देखो मैं आपको दो एग्जांपल बता रहा हूं आपको, उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी क्या कहना चाहता है। आपके पास एक वेव तो ये रही और आपके पास दूसरी वेव ये रही, देख रही है दो वेव आपको, एक वेव तो ये रही एक वेव ये रही, जानते हो आप इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम ट्राफ, इसको क्या बोलते हैं हम क्रस्ट, इसको बोलते हैं हम ट्राफ, हिंदी में बात करो तो श्रृंग होंगे, हिंदी में बात करो तो दोनों गर्त होंगे। अब आप देखो इसकी जो हाइट है यह हाइट एच होगी, यह हाइट हमारे पास होगी एच, अगर इसको मैं H1 कहूं, इसको मैं H2 कहूं, देखो आप इसको तो बोल दिया मैंने H1, इसको बोल दिया मैंने H2, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि H2 बड़ा है किससे, H1 से, बताओ बात सही है कि नहीं, H2 किससे बड़ा होगा H1 से, यानी इसकी हाइट तो ज्यादा है, इसकी हाइट क्या है कम, और हमने परिभाषा क्या लिखी, श्रृंग और गर्त की जो ऊंचाई है वही कहलाती है इसका आयाम। तो बताओ अगर मैं इसका आयाम A2 मानूं, अगर मैं इसका आयाम A2 मानूं और इसका आयाम मैं A1 मानूं, तो बताओ A2 बड़ा होगा कि नहीं होगा A1 से, बात समझ आ रही है आपको। अरे सुनो भाई बात ध्यान से, आपके पास दो वेव है, एक वेव तो हमारे पास ये है और एक वेव हमारे पास ये है, इसकी जो हाइट H1 है, इसकी हाइट हमारे पास H2 है, हमने कहा श्रृंग और गर्त की जो ऊंचाई है वही आयाम कहलाती है, इसकी ऊंचाई H2 है तो इसका आयाम A2 होगा कि नहीं होगा, इसकी ऊंचाई H1 है बताओ इसका आयाम A1 होगा कि नहीं होगा, तो दिख रहा है अगर H2 बड़ा है तो A2 भी बड़ा होगा, A2 बड़ा होगा किससे A1 से। अब फर्क क्या हुआ, जिसका आयाम जितना ज्यादा होगा, जिस वेव का आयाम जितना ज्यादा होगा उस वेव की ब्राइटनेस यानी चमक भी उतनी ही क्या होगी ज्यादा, यानी ये ज्यादा ब्राइट दिखेगा आपको बजाय इसके, यानी इसकी चमक ज्यादा होगी और इसकी चमक क्या होगी कम, उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या होगा, जिसका एम्पलीट्यूड जितना अधिक होगा
उसका ब्राइट, उसकी ब्राइटनेस यानी उसकी चमक उतनी ही क्या होगी, अधिक, उतनी ही अधिक होगी। यानी आयाम से मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस है कि कोई लाइट कितनी ब्राइट है। अगर किसी के अंदर चमक ज्यादा है इसका मतलब क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है ज्यादा, और किसी के अंदर चमक कम है तो मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या है कम। समझ गए एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड नथिंग ओनली हाइट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। यानी एम्पलीट्यूड कुछ नहीं होता, बस क्रस्ट की और ट्रफ की क्या होती है हाइट। जिसकी जितनी ज्यादा हाइट होगी उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, उसकी ब्राइटनेस भी उतनी ही क्या होगी ज्यादा। बात समझ आ रही आपको, ये तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में और एम्पलीट्यूड के बारे में। उम्मीद कर रहा हूं तीनों पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे कि वेव क्या होती है, वो वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है और क्या नाम से फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तीनों बात समझ में आ गई आपको, जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ही क्या होगी ज्यादा, मैं कहूँ इंटेंसिटी उतनी ही क्या होगी ज्यादा, चमक ज्यादा होगी इस वेव में कंपेयर टू इसके। अगर मैं चमक की बात करूँ तो ये वेव ज्यादा चमकदार होगी कंपेयर टू इसके, यानी इसकी तुलना में इस वेव की चमक क्या होगी ज्यादा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या है ज्यादा है, क्योंकि इसकी हाइट भी क्या है ज्यादा, क्योंकि हमने कहा सरंग और गर्त की जो ऊंचाई वो कहलाती है हमारे पास आयाम कहलाती है। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई आपको, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब मैं बात करता हूँ इससे आगे की, इसके आगे हमारे पास कौन सा टॉपिक था, ये तरंगों को गुणा में देना खड़ा टॉपिक था हमारे पास, तरंग संख्या, वेव नंबर, तरंग संख्या इसे बोलते हैं वेव नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेव नंबर, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेव नंबर। सबसे पहला काम तो ये दिखाते हैं किससे, इसे दिखाते हैं न्यू बार से, किसे दिखाते हैं इसे न्यू बार, देखो ऊपर लगा रखा है डंडा, इसको बोलते हैं न्यू बार, हिंदी में लिखता हूं या साइड में, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यू बार, क्या बोलते हैं न्यू बार। इन तरंग संख्या को किसे दिखाया जाता है न्यू बार से, किसे दिखाया जाता है न्यू बार से। परिभाषा क्या होगी, यह जो है यह कौन तरंग संख्या, यह तरंग दैर्ध्य के, यह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी मैं कहूंगा अगर न्यू बार किसके बराबर होगा, वन अपॉन लैम्बडा के, किसके बराबर होगा वन अपॉन लैम्बडा के, यानी जो न्यू बार है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के, तरंग दैर्ध्य लैम्बडा होती है, यानी न्यू बार जो है वो तरंग दैर्ध्य के क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, क्या होती है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ रही है, जो तरंग संख्या होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तरंग संख्या क्या होती है तरंग दैर्ध्य क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ आई आपको, सुनो व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास न्यू लैम्बडा, क्या था हमारे पास सी इज इक्वल टू था ना, अरे अभी भी तो आया था हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला क्या था न्यू इज इक्वल टू क्या था जी सी बाय लैम्बडा, तो सी बराबर क्या था हमारे पास, तो देखो आप अभी अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, हमने फॉर्मूला निकाला न्यू इज इक्वल टू क्या था सी बाई लैम्बडा, निकाला सी बाई लैम्बडा। देखो इसकी तुलना, इससे मैं एक नया रिलेशन बना के लेके आऊंगा, इस फॉर्मूले से एक नया संबंध बना के आएगा, कैसे आएगा, हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्बडा, तो न्यू बराबर क्या होगा सी, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं वन अपॉन लैम्बडा, भाई वन अपॉन लैम्बडा ही तो है, और आप जानते हो वन अपॉन लैम्बडा बराबर किसके होता है न्यू बार के, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा सी, यहां पर क्या जाएगा न्यू बार, बताओ फॉर्मूला बन के आएगा नहीं आएगा, बन गया सी न्यू बार, दिख रहा है आपको फॉर्मूला बन के आएगा न्यू बराबर क्या होता है सी न्यू बार, क्लियर है फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला डेवलप कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं न्यू बराबर होता है सी बराबर लैम्बडा, सी बराबर सी अपॉन लैम्बडा, और हम जानते हैं वन अपॉन लैम्बडा बराबर क्या होता है न्यू बार, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा न्यू इक्वल टू सी न्यू बार। बात समझ आ रही है, ये होती है हमारे पास तरंग संख्या, ये क्या होती है हमारे पास तरंग संख्या, जिससे हमने एक नया फॉर्मूला बना दिया, वो फॉर्मूला आपके सामने है, क्लियर है बात, क्लियर है। अब हमारे पास एक टॉपिक और रह गया, उस टॉपिक का नाम है तरंग वो आवर्तकाल, आवर्तकाल या समयकाल जिसे बोलते हैं, उसको दिखाते हैं कैपिटल डी से, वो डिस्कस करेंगे हम इससे आगे वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, जितना पॉइंट आपको समझाया गया है उसको आप कॉपी में नोट करना और समझने की कोशिश करना कि ये पॉइंट है क्या, क्योंकि हमको इसके मतलब जो वेव आएंगी उसमें हमको काफ़ी जरूरत पड़ने वाली है इन टॉपिकों के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।